Once again, welcome back to my channel. So, आज का वीडियो जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये होने वाला है फेस्टिव स्पेशल मीशो हॉल। फेस्टिवल के अकॉर्डिंग कुछ साड़ियाँ कुछ सूट सेट्स में आपके लिए लिख के हैं जिन्हें आप अपकमिंग फेस्टिवल में स्टाइल कर सकते हैं, क्योंकि अभी तो सारे फेस्टिवल लाइनअप हैं, दशहरा, दिवाली, नवरात्रि, बहुत कुछ आने वाला है, तो आप उनमें से इसे उनमें से किसी भी फेस्टिवल में आप इन्हें स्टाइल कर सकते हैं। तो गाइस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। बहुत ही प्यारे प्यारे आउटफिट्स हैं, बहुत सेलेक्टेड पीस हैं। अभी तक आपने मीशो डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कीजिए मेरे दिए हुए लिंक से, जिससे आप अब जब भी अपनी शॉपिंग करेंगे तो आपको अपने फर्स्ट ऑर्डर पे कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा। एज यूजुअल सारे आउटफिट रीसेलिंग में है, रीसेलिंग प्राइस स्क्रीन पर डाल दूंगी यहाँ पे, तो आप चेकआउट कर लेना। कुछ भी लेने में इंटरेस्टेड हो तो मुझे मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करना होगा, व्हाट्सएप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाले हुए हैं, यहाँ पे भी दे दी हूँ स्क्रीन पे, तो आप चेकआउट कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हॉल वीडियो। सबसे पहले जो आउटफिट मैंने पहना हुआ है ये भी मीशो से है, कल वाली वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था। अगर मेरे पास इसकी रिकॉर्डिंग हुई जो है ट्राई ऑन अवेलेबल हुआ तो मैं साइड में आपको दे दूंगी। कल वाली वीडियो आप चेकआउट कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी उस वीडियो का, वहां से आप इसको कोड लेके परचेस कर सकते हो। काफी अफोर्डेबल प्राइस में काफी कंफर्टेबल सा पीस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हॉल वीडियो। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं साड़ी से। एक बहुत प्रिटी सी साड़ी है जो मुझे काफी ज्यादा अच्छी लग रही थी मीशो पे, कलर भी बहुत ज्यादा प्रिटी लग रहा था, प्लस मुझे ऐसा लग रहा था कि यार अपकमिंग फेस्टिवल के लिए बहुत यूनिक सा ऑप्शन हो जाएगा ये। ये ना नेट में साड़ी है एंड ये बहुत बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल साड़ी है। कुछ इस तरह की आपको ये वाली साड़ी देखने को मिल जाएगी। लुक एट दिस साड़ी। एक तो ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट है क्योंकि ये नेट फैब्रिक में है। कलर आप देख सकते हो, बहुत ही प्यारा सा कलर है जो कि काइंड ऑफ इस तरीके का कलर आपको देखने को मिल जाएगा। ये व्हाइट कलर नहीं है, इसका जो ब्लाउज है ये वाले कलर का है। एग्जैक्ट आप पिक्चर से मैच कर लेना, सेम वो ही कलर है। देखने पे मत जाना, बिकॉज होता क्या है थोड़ा लाइटिंग की वजह से कलर्स चेंज हो जाते हैं। एग्जैक्ट पिक्चर वाला कलर है जो कि काफी ज्यादा सुंदर लग रहा है। ये कलर मुझे बहुत प्रिटी लग रहा है। पूरी साड़ी में आपको इस तरीके का वर्क देखने को मिल जाएगा जो कि है ना प्रॉपर इन्होंने सिक्वेंस का काम किया हुआ है, लेकिन शाइनिंग वाले सिक्वेंस यूज नहीं किए हुए हैं, मैट फिनिश में सिक्वेंस यूज किए हुए हैं। कुछ इस तरीके की साड़ी है जो कि काफी ज्यादा यूनिक पैटर्न में है एंड ये नेट फैब्रिक में है। जब आप दूर से देखोगे ना तो ये शाइन करेगी। चाहे आप इसे डे में स्टाइल करो, नाइट में स्टाइल करो, किसी भी फंक्शन में इसे स्टाइल करो, फेस्टिवल में काफी यूनिक लुक आएगा। काफी ज्यादा सुंदर लग रही थी मुझे ये वाली साड़ी का जो डिजाइन है वो ही बहुत अमेजिंग लग रहा था, और ये जो सिक्वेंस है ना कितने प्यारे लग रहे हैं। डे लाइट में ये बहुत अच्छे से शाइन करेंगे और डे के अकॉर्डिंग ये परफेक्ट कलर है। डे के अकॉर्डिंग इस तरीके के कलर बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं फेस्टिवल्स में। तो ये पूरी इस तरीके की 5.5 मीटर की साड़ी देखने को मिल जाएगी। मुझे प्राइस भी काफी अफोर्डेबल लग रही है क्योंकि इसका जो डिजाइन है, इसका जो कलर है वो काफी ज्यादा यूनिक आया है। फैब्रिक क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है, लाइट वेट है, सिक्वेंस ऐसे यूज किए हुए हैं जब आप हाथ लगाओगे तो आप फील भी नहीं कर पाओगे सिक्वेंस है। काफी अच्छी साड़ी है ये, काफी अफोर्डेबल प्राइस में, और ये आपको इस तरह की 5.5 मीटर की साड़ी देखने को मिल जाएगी। नेट फैब्रिक में है एंड साथ में जो ब्लाउज दिया हुआ है वो टफेटा सिल्क का ब्लाउज दिया हुआ है 90 सेंटीमीटर का, और अगर आप एक्सल डबल एक्सल साइज में भी है तो भी आपके इजीली आ जाएगा। जैसा भी चाहो वैसे आप इससे ब्लाउज स्टिच करा सकते हो, प्लेन ही इसके साथ अच्छा लगेगा क्योंकि पूरी साड़ी अच्छी है, हैवी है, वर्क काफी अच्छा और नीटली किया हुआ है, तो प्लेन के साथ ये बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। तो ये है जो फर्स्ट साड़ी मैं आपको रिकमेंड करूंगी। फेस्टिवल के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, मे बी कलर्स अवेलेबल हो तो आप चेकआउट कर लेना, पर ये सबसे प्यारा एंड यूनिक सा कलर है। अब जो नेक्स्ट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये एक कुर्ता सेट है जो कि पीच कलर में है और पीच काइंड ऑफ पिंक कलर में है। पैकेजिंग कुछ इस तरीके की आई है, जिप कवर में आया है, देखने में बहुत अच्छा लग रहा था, प्लस मुझे लग रहा था फेस्टिवल के अकॉर्डिंग यार बहुत प्रिटी रहेगा ये, तो इसलिए मैंने पिक किया एंड बहुत ब्यूटीफुल आया है। कुछ इस तरीके का आपको ये कुर्ता सेट देखने को मिल जाएगा। इसमें आपको इस तरीके की स्ट्रेट कुर्ती देखने को मिलती है, एम्ब्रॉयडर्ड है ऊपर से। साइज मैंने इसमें मीडियम लिया है, इसमें आपको सारे साइज मिल जाएंगे। इसका जो फैब्रिक है ना रियॉन फैब्रिक है, पीच कलर है, 3/4 इस तरीके की स्लीव्स है
एंड ये इस तरीके की एम्ब्रॉयडरी की हुई है फ्रंट में, लेकिन इसका जो नीचे वाला पार्ट है ना वो बहुत ज्यादा सुंदर है, जो कि आपको ऑरगेंजा सिल्क फैब्रिक में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे ये अटैच दिया हुआ है इसमें, और इसमें भी एम्ब्रॉयडरी की हुई है। रेयन फैब्रिक है तो पहनने के बाद काफी ज्यादा कंफर्टेबल भी है, स्टाइलिश भी है। साथ में ना पैंट देखने को मिल जाएगी, जो कि रेयन फैब्रिक की पैंट इसमें दी हुई है। नीचे की साइड पैंट में भी इस तरीके का जो है ऑरगेंजा सिल्क फैब्रिक इसमें लगाया हुआ है। पैंट का बॉटम साइड है वो काफी अच्छा है, इलास्टिक वाला है, पहनने के बाद काफी कंफर्टेबल रहेगा। तो इस तरीके की पैंट है। साथ में आपको मिल जाएगा बहुत प्यारा सा दुपट्टा, जो कि इसके लुक को इनहेंस कर रहा है। एक तो है ना कुर्ता सेट ही बहुत ज्यादा प्रिटी है एंड काफी ज्यादा सुंदर लग रहा है। जिन्हें ना बिल्कुल भी ऐसा नहीं है चमक दमक चाहिए, या फिर अगर आप अपने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो तो लॉन्ग टाइम तक आप उसे यूज ले सको, तो उस तरीके के कुर्ता सेट में से है ये। किसी भी फेस्टिवल में बहुत अच्छा लगेगा, वेडिंग में आप इसे स्टाइल कर सकते हो, काफी अच्छा लुक आएगा और कभी भी आउटडेटेड नहीं होगा। तो ये ऑरगेंजा सिल्क फैब्रिक में दुपट्टा है और कुछ इस तरीके का बॉर्डर दिया हुआ है, जो काफी ब्रॉड है, कुछ इस तरीके के बॉर्डर इसमें दिया हुआ है। पूरा एम्ब्रॉयडर्ड है, काफी ज्यादा सुंदर लग रहा है। पूरा आपको इस तरीके का 2.5 या 2.5 मीटर का ही दुपट्टा देखने को मिल जाएगा। तो ये है जो नेक्स्ट पीस मैं आपके लिए लेके आई हूँ, बहुत प्यारा कुर्ता सेट है इन अफोर्डेबल प्राइस अपकमिंग फेस्टिवल के लिए। अब आते हैं, यार मैंने देखा नहीं ये पूरा हॉल पिंक पीच हो गया, बस एक आउटफिट है ना जो ये साड़ी में जो फर्स्ट में दिखाई थी ये वाली, ये थोड़ा अलग हो गया है सिक्वेंस वाली साड़ी का कलर, पर मैंने कुछ सोचा नहीं था ऐसा कि ये हॉल पिंक कलर हॉल करना है, ये पीच एंड पिंक कलर हॉल हो गया है, जो कि काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। अब जो नेक्स्ट मैं आपके साथ शेयर करूंगी ये भी फेस्टिवल के अकॉर्डिंग बहुत प्यारा कुर्ता सेट है। ये अपना रानी कलर में देखने को मिल जाता है। ये एक फ्लेयर कुर्ती है गोटा पत्ती की पूरी, कुछ इस तरीके की आपको फ्लेयर कुर्ती देखने को मिल जाएगी। कलर आप देख सकते हैं मजेंटा कलर में आपको देखने को मिलेगी। 3/4 स्लीव्स है जिसमें आगे आपको इस तरीके की गोटे की डिटेलिंग देखने को मिल जाती है, और नेक आपको प्लेन मिल जाएगी, बैक से भी प्लेन है। बैक में ना टेसल दिए हुए हैं इस तरीके के, यहाँ पे आपको हैवी स्लीव्स मिल जाती है, और नीचे की साइड जब आप फ्लेयर में देखोगे ना ये काफी अच्छा है, जो कि आपको पूरा सिक्वेंस वाला पूरा गोटे पत्ती का देखने को मिल जाएगा। गोटे की डिटेलिंग की हुई है पूरे सिल्वर कलर के, रेयन फैब्रिक में है, पहनने के बाद काफी ज्यादा कंफर्टेबल है, फ्लेयर काफी ज्यादा अच्छा है, और पहनने के बाद आप लुक साइड में देख लेना काफी ज्यादा सुंदर आएगा। प्लस साथ में है ना जो दुपट्टा दिया हुआ है वो ही इसके कंप्लीट लुक को इनहेंस कर रहा है पूरी ड्रेस के, जो कि शिफॉन का दुपट्टा इन्होंने इसमें रखा है, और है ना इसमें आपको पूरे में ना गोटा पत्ती का काम देखने को मिल जाएगा। सिल्वर गोटा लगाया हुआ है, गोल्डन कलर का गोटा भी लगाया हुआ है, जो कि काफी ज्यादा सुंदर लग रहा है, पूरा ट्रेडिशनल लुक है। इस तरीके के ना जो कुर्ता सेट है जयपुर में काफी ज्यादा चलते हैं, यहाँ पे काफी अच्छे लगते हैं पहनने के बाद, और ये कलर फेस्टिवल के अकॉर्डिंग बहुत एप्रोप्रिएट भी है। मैं आपको पास से क्वालिटी बता देती हूँ, देखो कितनी अच्छी क्वालिटी है, एक भी थ्रेड इधर उधर से नहीं निकल रहा, प्योर शिफॉन में आपको 2.25 मीटर का हैवी दुपट्टा देखने को मिल जाएगा। साथ में जो दी हुई है वो इस तरीके की पैंट इसमें दी हुई है, एंड ये इलास्टिक वाली पैंट है, पहनने के बाद काफी ज्यादा कंफर्टेबल रहेगी, स्ट्रेट फिटिंग में है एंड काफी अच्छा लुक आएगा। ये कुर्ता सेट भी फेस्टिवल या फिर वेडिंग फंक्शन के अकॉर्डिंग काफी अच्छा है, अफोर्डेबल प्राइस में है, क्वालिटी भी बहुत ज्यादा अच्छी आई है। तो ये है जो नेक्स्ट मैंने पिक किया है। अब जो नेक्स्ट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये भी एक कुर्ता सेट है, इसका है ना व्हाइट वाला कलर मैंने आपके साथ ऑलरेडी अपनी 1-2 दिन पहले वीडियो में शेयर किया हुआ है, तो मुझे ना इसका ये वाला कलर भी काफी अच्छा लग रहा था। और ये वाला कुर्ता सेट अभी मीशो पे देखोगे ना आपको हर जगह देखने को मिल जाएगा, इसके तीनों कलर, ग्रीन वाला, पिंक वाला, व्हाइट वाला। तो ये मैंने अब पिंक कलर में लिया है, जो कि काफी ज्यादा सुंदर आया है। इसमें जो इसका मेन पार्ट है ना वो इसका फ्रंट है, जो कि काफी इन्होंने यूनिक रहा है, एंड इस तरीके का फ्रंट देखने को मिल जाएगा। अभी आप देखोगे ना किसी भी सेलिब्रिटी को वी जो नेक है काफी ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है, चाहे वो लहंगे में हो, ब्लाउज में हो, ब्लाउज के मतलब लहंगे के ब्लाउज में हो, या फिर साड़ी के ब्लाउज में हो, और या फिर सूट में हो, वी नेक अभी बहुत ट्रेंड कर रहा है, तो ये वी नेक में देखने को मिलेगा। पूरे के ऊपर एम्ब्रॉयडरी की हुई है, और ये इस तरीके के पॉम पॉम लगवाए हुए हैं, जो कि काफी ज्यादा सुंदर लग रहे हैं। यहाँ पे आपको इस तरीके की स्लीव्स देखने को मिल जाएगी, जो कि काफी क्लासी लग रही है, बहुत ही रिच है ये वाला सूट, वो रेयन कॉटन फैब्रिक मिक्स में देखने को मिलेगा। अंदर की साइड प्रॉपर लाइनिंग अटैच है, और नीचे का बॉर्डर है ना कुछ इस तरीके का इन्होंने दिया हुआ है, जो कि ऑरगेंजा सिल्क फैब्रिक का है नीचे का जो बॉर्डर है, और आपको इस पे एम्ब्रॉयडरी देखने को मिल जाएगी, जो कि काफी ज्यादा सुंदर लग रहा है। ये वाला कुर्ता सेट पहनने के बाद काफी कंफर्टेबल सा पीस है, अपकमिंग फेस्टिवल में इसे भी आप ट्राई कर सकते हो, प्राइस बहुत अफोर्डेबल है। अगर आप इस तरीके की डिजाइनर कुर्ता सेट कहीं और से बाय करते हो ना काफी महंगे पड़ते हैं, लेकिन मीशो पे अभी काफी अफोर्डेबल
अफोर्डेबल प्राइस में कुर्ता सेट मिल रहे हैं। कलर ऑप्शन आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना, ये पिंक कलर बहुत प्रिटी लग रहा है। इसमें इलास्टिक वाली पैंट है, कॉटन फैब्रिक में ही है, कॉटन रेयन मिक्स में। नीचे की साइड आपको इस तरीके की पैंट देखने को मिल जाती है जो कि कट में है यहाँ पे, और सेम एम्ब्रॉयडरी की हुई है दोनों पैरों में। तो ये इस तरीके की पैंट इसमें दी हुई है। साथ में आपको मिल जाएगा ऑरेगंजा सिल्क का दुपट्टा, जो कि प्लेन दुपट्टा इन्होंने रखा है क्योंकि कुर्ता सेट काफी हैवी है। और ये थ्रेड वाली जो है लेस, जो क्रोशे वाली जो लेस होती है ना, वो इसमें अलग से लगाई हुई है, जो कि काफी ज्यादा सुंदर लग रही है, इसके लुक को इनहेंस कर रही है। सिंपल सोबर स्टाइलिश कुर्ता सेट है, पहनने के बाद काफी अच्छा लुक आएगा। पूरा 2.25 मीटर का आपको ये दुपट्टा देखने को मिल जाएगा। तो ये है जो नेक्स्ट कुर्ता सेट मैं आपको अपकमिंग फेस्टिवल या फिर वेडिंग के लिए रिकमेंड करूंगी। तो लास्ट में आपके साथ शेयर करूंगी, ये एक सेलिब्रिटी स्टाइल सिक्वेंस साड़ी है। ये भी मीशो पे मुझे देखने में काफी ज्यादा अच्छी लगी थी। पीच कलर में आई है ये वाली साड़ी, एंड इस तरीके आपको ये सिक्वेंस साड़ी देखने को मिल जाएगी। फुली पार्टी वेयर, वेडिंग वेयर एंड फेस्टिव वेयर साड़ी है। कैजुअल में आप इसे स्टाइल नहीं कर सकते हो। जॉर्जेट फैब्रिक में है पूरी, एंड पूरे में इस तरीके आपको सिक्वेंस का काम देखने को मिल जाएगा। एम्ब्रॉयडरी देखने को मिल जाएगी, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ये आपको सेम देखने को मिल जाएगी। इसमें आपको पीच कलर के इस तरीके सिक्वेंस लगाए हुए हैं, एम्ब्रॉयडरी की हुई है। आप क्वालिटी एक बार पास से देख लो। जॉर्जेट फैब्रिक में है पूरी साड़ी, आपको इस तरीके ही देखने को मिलेगी, जो कि काफी ज्यादा हैवी साड़ी है। 5.5 मीटर की है, एज इट इज है, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक काफी नीटली काम किया हुआ है। ये साड़ी है कंप्लीट, और इतना सा पार्ट है जो इन्होंने प्लेन दिया है, जब आप ड्रैप करोगे अंदर की साइड आएगा। साथ में आपको ब्लाउज देखने को मिल जाएगा, जो कि तफेटा सिल्क का ब्लाउज इन्होंने रखा है। 90 सेंटीमीटर का ब्लाउज है ये, पूरा सिक्वेंस का ब्लाउज आपको देखने को मिल जाएगा। ये फ्रंट है, ये बैक है, और साथ में दो स्लीव्स दी हुई है। तो जब आप ब्लाउज स्टिच कराओगे ना, वो भी पूरा आपको इससे हैवी ब्लाउज स्टिच होगा। तो ये वाली साड़ी फेस्टिवल्स के अकॉर्डिंग पे अच्छी है, वेडिंग के अकॉर्डिंग पे अच्छी है। अगर आपको सिक्वेंस पसंद है, और अगर आप कोई अफोर्डेबल प्राइस में साड़ी लेना चाहते हो, तो इसे बाय कर सकते हो। क्वालिटी भी अच्छी है, कलर भी अच्छा है, एंड डिजाइन भी काफी ज्यादा सुंदर लग रहा है। तो ये है जो नेक्स्ट और लास्ट मैंने इस हॉल में पिक किया है। ये था आज का मेरा कंप्लीट मीशो हॉल। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, एंड आपके लिए ये वाला वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो पसंद आया तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है विद बेल आइकन, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाएंगे, एंड आपसे मेरी वीडियो मिस नहीं होगी। एंड आज के कलेक्शन में से आपका फेवरेट आउटफिट कौन सा है, कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना विद बेल आइकन, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिले। तो चलिए अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।